Last ball for Pandya. Oh, Maxwell goes. Oh! क्रिकेट मैच के दौरान गेंद अगर बल्लेबाज के हिट करने के बाद मैदान में मौजूद स्पाइडर कैमरे से टकरा जाए तो क्या होगा? गेंद हेलमेट से टकराए या अंपायर को लग जाए तो क्या होता है? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जो ऐसे सिचुएशन के बाद लागू होते हैं। साथ ही समझते हैं वो नियम जो दिखने में आसान तो लगते हैं लेकिन इनको लेकर कंफ्यूजन भी होती है। नहीं, बिना फील्डिंग टीम के अपील के अंपायर किसी बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकता है, भले ही बल्लेबाज आउट ही क्यों ना हो। इससे जुड़ा एक और खास नियम है अपनी अपील वापस लेने का, यानी फील्डिंग टीम को अपनी अपील वापस लेकर आउट दिए बल्लेबाज को वापस बुलाने का नियम है। जुलाई 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के इयान बेल को टीम इंडिया की अपील के बाद गफलत में रन आउट दे दिया गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद धोनी ने अपनी अपील वापस ले ली थी और अंपायर ने अपना फैसला पलटते हुए इयान बेल को बैटिंग के लिए वापस बुला लिया था। धोनी को इसके लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया था। गेंद अगर हवा में मौजूद किसी बाहरी चीज से टकरा जाए तो उसे डेड बॉल घोषित कर दिया जाता है। MCC यानी मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की रूल बुक के मुताबिक अंपायर अपनी समझ से भी उस गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकते हैं। 23 जनवरी 2016 में सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें वनडे के दौरान विराट कोहली का एक शॉट स्पाइडर कैम से टकराया और गेंद डेड घोषित हो गई। 2005 में क्रिकेट में पहली बार गेंद मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम की छत से टकराई थी और इसे डेड घोषित कर दिया गया था। अगर गेंद मैदान में फील्डिंग टीम की तरफ से रखे हेलमेट या ग्लव्स या चश्मे से टकरा जाती है तो गेंद को डेड माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जून 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ MS धोनी ने बल्लेबाज को रन आउट करने की कोशिश में अपना एक ग्लव्स जमीन पर गिरा दिया और विकेट की ओर थ्रो किया, लेकिन गेंद विकेट के बजाय उनके ग्लव से टकराई। तब बांग्लादेश को 5 पेनल्टी रन मिले थे। जी हाँ, MCC के नियम 8 के मुताबिक क्रिकेट मैच को बिना गिल्लियों के भी खेला जा सकता है। जून 2017 में वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच खेला गया वनडे और सितंबर 2019 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच को तेज हवाओं की वजह से कई ओवर बिना गिल्लियों के खेला गया था। अगर गेंद बल्लेबाज के शॉट खेलने के बाद अंपायर से टकराए और उसके बाद फील्डर उसे कैच कर ले तो इसे कैच माना जाएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।